हेलो नमस्कार, लक्ष्मी सूर्य प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्ष्मी। आज है संडे, आज मैं, श्रेयस और गौरी सिर्फ घर पर है। हम थोड़ा सा मस्ती करने जा रही है हम, कुछ मूवीज देखने के लिए। पहले हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम एक मूवी देखते हैं। आप भी देख लीजिए। हम कौन सा मूवी देखना है मुझे भी पता नहीं, अब मुझे सर्च करना है। आज मैंने फ्राइड राइस बनाई थी, कॉर्न सब वेजिस डालकर। अब हम यहाँ पर दाल भी चढ़ा लिया है लंच के लिए, तूर दाल। इसके साथ चार टमाटर को मैं बॉईल कर लिया है। लंच तो 1 o'clock में बनाती है, हमें ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट खाना है। इसलिए मैं यहाँ पर श्रेयस टीवी ऑन कर लिया है, देखते हैं कौन सा अच्छा मूवी। टीवी पर कोई हम देखने वाला कोई मूवी नहीं है, इसलिए कार्टून भी देखते ही एपिसोड फिर से डालते हैं। इसलिए मैं जियो सिनेमा पर रुद्रा देखती हूँ। मुझे भी कार्टून अच्छा लगता है, बट न्यू एपिसोड्स फिर से एक ही एपिसोड देखना अच्छा नहीं लगता मुझे। इसलिए मैं मेरा फोन पर डालती हूँ जियो सिनेमा में रुद्रा कार्टून, आप भी देख लीजिए। मुझे तो बस इतना अच्छा लगता है ना, रुद्रा कार्टून में मैजिक होता है, इसलिए मुझे ऐसा मूवी थोड़ा सा अच्छा लगता है। हैरी पॉटर वैसा मूवी अच्छा लगता है। एडवेंचर हाथ से ही खाना खाती है। यारो यारो यार इला करना भ्रमे घर में हम तीनों है ना, इसलिए मैं बोलना भूल गई। आप सबको हैप्पी होली, आप लोग अच्छे से मना लिया ना होली? कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर लीजिए। अब ब्रेकफास्ट खाने के बाद अपने लिए और श्रेयस के लिए चाय बना रही हूँ। श्रेयस को भी चाय बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्रवीण नाश्ता करके खेत के लिए जा चुकी थे। चाय पीने के बाद मैं लंच बना लिया है। बना रही हूँ बॉइल्ड तूर दाल के साथ सांभर पाउडर डालकर विस्क करना है, इससे लम्स नहीं आता है। सांभर पकने के लिए रख कर चावल भी चढ़ाने के लिए रख लिया है। अब देख लीजिए, और इसमें टमाटर को स्मैश करके इस सांभर में डाल रही हूँ। सांभर पाउडर पकने के लिए 5 to 6 मिनट्स छोड़ना है। अब अच्छे से उबल लिया है। अब मैं उसके बाद इसमें इमली का पानी डालकर 2-3 मिनट पका के नमक डालकर 2 मिनट पकाना है। इसके बाद इस सांभर में राई, जीरा, हिंग, करी पत्ता का तड़का डालना है। हरे धनिया है तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हरे धनिया, बट घर में नहीं था इसलिए नहीं डाला है। अब सांभर रेडी है। अब what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Of me.
मैं बच्चों का प्लेट लगा रही हूँ लंच के लिए। अब खाना खाते खाते जॉम्बी मूवी देखना चाहते थे दोनों। सुपर सुपर मक्ले मूवी हेगीतु ಜಾಂಬಿ ಹೌದಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಮೀರ್ ಎಂ ಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಏನು ಕೇಸ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋದು ಇದು ಯಪ್ಪರ್ ದೇಖಿ ಸಭಿ ಘರ್ ಮೇ ಫೈಲಾ ಹುವಾ ಹೈ ಮುಜೆ ಯೇ ಸಬ್ ಠೀಕ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ये सब ठीक करने के बाद मैं किचन बर्तन को क्लीन करना है और स्टोव भी क्लीन करना है। ये किचन का साफ मैं लास्ट में कर लेती हूँ, पहले मैं घर को साफ। मेरे ससुर जी और सासू माँ एक एंगेजमेंट के लिए सुबह जा रहे थे। 6 बजे तक दोनों आ गई। दोनों फ्रेश अप होने के बीच में किचन क्लीन करके बर्तन भी वॉश करके सब के लिए चाय बना के दे दिया है। अपने लिए विदाउट शुगर चाय बना के पी लिया है। पहली मैं बच्चों का दूध गर्म करके उन दोनों को देने के बाद मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। प्रवीण के लिए एज़ यूजुअल दूध ही देती हूँ, बोर्नवीटा वाला दूध ही देती हूँ। ये दोनों कप ससुर जी और सासू माँ के लिए। अब मैं मेरे लिए बना लिया है। मैं चाय पीकर फ्रेश अप होकर बच्चों का कुछ भजन पढ़ाती हूँ। अब हॉलिडे है ना, इसके लिए मैं हर दिन उसको भजन पढ़ाती हूँ। इसके बाद मुझे डिनर प्रिपरेशन का वक्त आ चुकी थे। अब डिनर के लिए मैं उपमा बना रही हूँ। सूजी को मैं ड्राई रोस्ट करके अब मैं कढ़ाई में ऑयल, राई, जीरा, चना दाल, हरी मिर्ची, प्याज डालकर सौते करना है। 2 मिनट फ्राई होने के बाद मैं इसमें कद्दूकस किया कैरेट को डालकर सौते करना है। अब इसमें कैरेट पकाने के बाद इसमें टमाटर
हल्दी नमक डाल के पकाना है। अच्छे से पकने के बाद गुनगुना पानी एक ग्लास के हिसाब से 3 ग्लास पानी डालना है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टरबेंस फ्रेंड्स, बच्चों खेल रहे हैं ना इसलिए वो साउंड। ओके, अब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी उबले होने के बाद सूजी डालकर ढक्कन लगा के लो फ्लेम में रखना है। 2 मिनट बाद स्टोव ऑफ करके मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से पक चुकी होती है। अब उपमा रेडी है। उपमा बनाते बनाते ये सब क्लीन भी कर लिया। सिर्फ सिंक वॉश करना है। ये बर्तन वॉश करती है ना, तब मैं सिंक भी वॉश करती हूँ। यहाँ पर श्रेयस ऑरेंज खा रही है। अब सबके लिए प्लेट लगाती हूँ। टाइम भी 9:30 बजे है। मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब सिंक भी क्लीन हो गया है, ये बर्तन भी वॉश कर। मैं और श्रेयस साथ में डिनर खाते हैं। और मुझे डिनर खाने के बाद कपड़े को मुझे ड्रायर पर डालना है। इसके बाद मैं वो कपड़े का काम करती हूँ। फ्रेंड्स थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब सबका डिनर हो चुका है। अब सोने के लिए जा रही थी मैंने। टाइम 10:30 बजे। पूरा एडिट करके मैं 5:30 बजे का वक्त पर मैं डालने का ट्राई करती हूँ अपलोड करने का। मुझे पता नहीं, इन दोनों बच्चे के साथ मुझे एडिटिंग करना भी नहीं हो सकता है। अभी अभी हॉलिडे हो रहा है ना, इसलिए देख लीजिए ऐसा करता है। आज का ये ब्लॉग यही तक था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड कमेंट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग से। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हर हर महादेव।